हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी। तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मैं डायरी मेंशन करने बैठी हूँ रात में खाना वाना खाने के बाद। तो देखते हैं आज सुबह से मैंने क्या क्या खाया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह मैंने ली है ओट स्मूदी, और आज मैंने ना उसको थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर देने की कोशिश की है। हालाँकि उसमें चीनी नहीं थी, पर ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और नहीं तो वेट लॉस के लिए वो अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने जो ओट्स का पाउडर लिया था वो था 20 ग्राम ओट्स का पाउडर, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो यहाँ पे अपनी इस बार चॉकलेट स्मूदी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 भीगे हुए बादाम, 20 ग्राम्स ओट्स का पाउडर। मैंने पहले ओट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया, ठंडा कर लिया, उसका पाउडर बना दिया, और उसके बाद उसको मेजर करके 20 ग्राम लिया है। 2 खजूर बीज निकाल दिए, और ये सॉफ्ट वाले खजूर है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून कोको पाउडर और 1/2 टीस्पून कॉफ़ी। मैं नेस्कैफे कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं यूज़। अब इस सबको हम डालेंगे ब्लेंडर में। 1/8 टीस्पून मैं इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब इसको हम एक बार सूखा पीस लेंगे पहले। और अब इसमें हमें 100 ml दूध मिलाना है, तो मैं दूध यहाँ पे एक साथ नहीं मिलाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा डाल के मैं इसको और पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी बचा दूध डाल के और फिर इसको मैं बना लूँगी मेरी पूरी स्मूदी। तो ये मेरी चॉकलेट ओट स्मूदी बन के तैयार है, और आज ग्लास फुल है, और इसको मैं पीने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। पीने में ये थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि थोड़ा फीका लग रहा है। तो आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून ब्राउन शुगर या गुड़ ऐड कर ले, पर अब मैं इसको ऐसे ही पी लेती हूँ। और अब इसके बाद बारी आती है, मैंने सुबह ली थी ब्लैक कॉफ़ी। ये सब बहुत बढ़िया एकदम रूटीन में चल रहा है। और आज दोपहर में मैंने खाया था सोया आलू की सब्जी प्लस रोटी। तो रोटी मेरी थी 27 ग्राम, और जो सब्जी ली थी, सब्जी मैंने ली थी 50 ग्राम। सफिशेंट था इतना। तो बच गए हैं 2, और यहाँ टाइम है मेरे लंच का। आज लंच में मैंने लिया है 30 ग्राम की रोटी, गेहूं की रोटी ली है आज मैंने, जिसको घी लगा के खा रही हूँ मैं। घी मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है अपने डाइट प्लान में। दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे 50 ग्राम सोयाबीन और आलू की रसीली सब्जी, खीरा और बीट रूट। इसको मैंने मेजर करके नहीं लिया है। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब हम खाते नहीं इतना थोड़ा खाना, तो ऐसा लगता है कि कितनी थोड़ी क्वांटिटी है, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि ना इस चीज़ को कंटिन्यू करते करते आपके पेट को वैसी ही आदत हो जाएगी। तो कहते हैं ना, जैसा कि आपको अपनी बॉडी के लिए उतना खाना चाहिए जितना ज़रूरी है। इतना नहीं कि आपकी बॉडी जितनी है तो आप उस हिसाब से उतना बहुत सारा खाएं, या जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना उनका पेट डिमांड करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग की खुद की आदत ऐसी होती है कि हम लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं। जब हम कम खाने लेंगे तो हमारी क्वांटिटी भी खाने की कम हो जाती है। और अब ऐसा हुआ है कि मैं मेजर कर करके लेने लगी हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरा ये 30 डेज़ का चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा तो मुझे ये सब चीज़ें डेली मेजर करके नहीं लेनी पड़ेगी। शायद वो रूटीन में थोड़ा आदत में आ गई है कि कितना कितना दाल या कितना खाना, कितनी क्वांटिटी हमें प्लेट में लेनी है। तो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि हम भर भर के ले रहे हैं, या जितनी ज़रूरत है, या ऐसा नहीं कि भूख लगेगी तो आप कम खाएं, पर फिर भी थोड़ा बहुत लिमिट में खाना बहुत ज़रूरी है। तो शाम के टाइम में मैंने लिया था ग्रीन टी, और अब बारी है रात के डिनर की। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने रात में अभी क्या खाया। और अब बारी है डिनर की, और डिनर आज हो रहा है मेरा थोड़ा सा लेट, 8:30 बज गए हैं। और यहाँ मैंने लिया है वेज पुलाव 150 ग्राम, और उसके साथ ही थोड़ा सा दही। अच्छा, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी की वेट लॉस जर्नी या कोई डाइट वाली वीडियो देख रहे हैं और उसमें दिखाते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा, 1 हफ्ते में 2 किलो हो जाएगा, या इतना इतना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो लोग ऐसे डालते हैं कि हाँ आप 21 दिन में इतने कम कर ले वेट। तो जब मैं पहले देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कहाँ इतने दिन में कम होगा, बहुत टाइम ले लेता है वेट कम करने में। तो ऐसा होता है कि वेट कम होने में टाइम थोड़ा लग जाता है,
पर वो बातें भी ठीक है कि जैसे लोग चैलेंज डालते कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करें, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं कि आपने कल ही से उनकी डाइट लेनी शुरू कर दी और आप एकदम कल ही सोचेंगे कि अब आपका 1 किलो हर दिन कम होता जाएगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, बॉडी हमारी ना धीरे धीरे काम करती है, जैसे धीरे धीरे हम मोटे हुए हैं वैसे ही धीरे धीरे हमें पतले होने में भी टाइम लगेगा। अगर आप जैसे थोड़े दिन पहले से अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा सुधार कर लें, जैसे तली चीज़ें छोड़ दें, तेल पकौड़े पराठे, थोड़ी ऑयली चीज़ें, मीठा छोड़ दें, टाइम पे खाना शुरू करें, टाइम पे मतलब सुबह का या लंच का टाइम या फिर जो रात का खाना है वो आप 7-7:30 ऐसे खा लें, और थोड़ी सी वॉक कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं तो हल्की फुल्की वॉक ही कर लें या ना भी करें, खाने में अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में, तो एक हफ्ते का टाइम दे बॉडी को और एक हफ्ते बाद ना आप सच में फ़र्क देखेंगे कि जब आप किसी की भी डाइट फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपने बॉडी में हर दिन चेंज नज़र आएगा। अगर आप मेजर करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको इतना जल्दी पता ना चले, पर निराश ना हो, कंटिन्यू लगे रहें, आपको एक ना एक दिन अपने में चेंज नज़र आएगा और दूसरों को भी नज़र आएगा। तो रहिए सुरक्षित, देखते हैं, कल मैं जाने वाली हूँ वैक्सीन लगवाने अपनी, मेरा पहला ही डोज है, तो क्या असर करता है क्या नहीं करता, मैं उसके बाद की वीडियो बना पाती हूँ या नहीं तो ये बताएंगे हम बाद में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।